मामन खान तुम्हारे इतने जूते बजेंगे इतने जूते बजेंगे दलाली करनी भूल जाओगे आज कह रहे हैं कि अब मोनू मानेसर को फांसी होनी चाहिए अब किसी की बहन के साथ बलात्कार कर दिया मोनू मानेसर ने मोनू मासर ने बैंक में डंका मार लिया या मोनू मेसर ने किसी का मर्डर कर दिया क्या किया ये गांधी राज नहीं है ये गांधी का समय नहीं है कि एक गाल पे चांटा खाया और दूसरा गाल आगे कर दिया यहाँ मार मार के दूसरा गाल का मुंह तोड़ दू हिंदुओं तुम्हें जयचंदो अगर आज मोनू मानेश्वर के ऊपर कोई विपता आती है तो कल को कोई गौ गौरक्षक वाला खड़ा नहीं होगा कोई गौ माता की रक्षा नहीं करेगा वो लड़के ने सीने पे गोली खाई है किसके लिए गौ माता के लिए चूड़िया पहनी हिंदुओं ने जो गौ रक्षक है जो मोनू के समर्थन है जो पूरी दुनिया मोनू को प्यार करती है चूड़िया पहनकर घूम रहे हैं मोनू को हाथ तो लगाए कोई एक बार कोई फिर हम बताएंगे मामन खान खुद का फूट जाएगा इसको खुद का नहीं पता इसका खुद का नहीं पता ये प्याज की तरह यह नींबू की तरह नहीं छोड़ दिया जाएगा अरे तुमने क्या समझ रखा है क्या समझ रखा है हिंदुओं को इतना आसान है मोनू को पकड़ना मोनू को हाथ डालने से पहले सौ सो बार सोचना होगा आओ बेटा आओ यहाँ पर अपने पाप के पास आओ अपने अब्बू के पास यहाँ जो बैठे उत्तर प्रदेश में यहाँ इनकी हिम्मत नहीं यहाँ पर तो थूक फेंकने वाले के घर पर भी बलडोजर चलता है मेरे भाई भव्य यात्रा निकलेगी और और इससे ज्यादा संख्या होगी इससे ज्यादा पता नहीं तीन गुना चार गुना पांच गुना ज्यादा हमें किसी मुसलमान से खतरा नहीं है ये भी आपको बता दू ये जो अपने बीच अपने ही बैठे है ना ऐसे करके फनियर नाग बन इन नागों से डर है ये आस्तीन के सांप है बहुत बड़े और ये कब अपने ही अपनों को डस दे पता नहीं लगता अच्छा मोनू मानेसर को लेके जिस तरीके से मेवात के लोग मेवात के मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोनू मानेसर ने ही दंगा भड़काया अगर मोनू मानेसर वीडियो नहीं बनाता तो हम दंगा नहीं करते मोनू मानेसर ने ही उकसाया है हमें उसने ही कहा था कि हम और उसके जितने समर्थक हैं उसने ही कहा था कि हम लोग आ रहे हैं दम है तो रोक लो देख दिया नहीं, नहीं 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 गलत बात जिस समर्थन बिट्टू बजरंगी की आप बात कर रहे हो गए है ना बिट्टू बजरंगी को बहुत टाइम से धमकियां और चेतावनी आ रही थी कि तुम मेवाद में घुस के दिखाओ तुम्हारी यात्रा होके दिखाए हम ये कर देंगे वो कर देंगे देखिए भैया खाना तो हर कोई खाता है गुस्सा दिमाग तो सबके अंदर है सोच तो सबके अंदर है तुम किसी बंदे को टारगेट कर रहे हो तो फिर जब वो तुम्हारे शहर में आएगा तो बोले गई कि भाई मैं आ रहा हूँ फूलमाला तैयार रखना ठीक है ना तो ये सब चीजें बहाना थी इनका प्ली प्लान प्रोग्राम था और सबसे बड़ी सबसे बड़ी वहां का एक आ, आ, वो है मुस्लिम समुदाय का इनका नेता जो है नेता विधायक मामन विधायक हाँ ये सारा उसका किया धरा है ये सब नेताओं का किया धरा है बच्चे मर गए बच्चे लड़कियों के साथ रेप किए गए लड़कियों के साथ बेबरता की गई और सिर्फ ये इनका किया धरा है इनका प्ली प्लान प्रोग्राम पहले से था अगर हिंदू ऐसा कुछ अगर उसने ऐलान किया होता युद्ध के लिए एक बात बताओ पत्रकार महोदय दिमाग तो आपके पास भी होगा कोई अपने बीबी बच्चों को लेकर जाता है, है। कोई डेढ़ डेढ़ साल के के बच्चों को लेकर जाता है जब पता हो कि हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं है। भव्य यात्रा जब जब भव्य यात्रा हिंदुओं की निकली है कोई भव्य यात्रा दिखा दो अब उत्तर प्रदेश के सिवा कि कहीं भी हिंदुओं की भव्य यात्रा होने दी हो कहीं भी बंगाल में क्या बजरंग दल गया था बजरंग दल गया था कश्मीर में बजरंग दल गया था आरएसएस वाले गए थे हैं यहाँ पर पालघर में बजरंग दल, दल वाले गए थे आरएसएस वाले गए थे कहीं नहीं गए थे लेकिन मेवात में जो मेवाती मुसलमान है वो मनु मानेश्वर का फिर विरोध क्यों कर रहे हैं इतना भैया मैंने आपको बताया पहले बात तो ये कन्वर्ट वाले हैं ये हिंदू थे ये मुसलमान में कन्वर्ट हो गए हैं ठीक दूसरी बात ये विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो जो लड़के मरे थे हमें नहीं पता भाई वो कैसे मरे थे ना हमने देखा पर आज तक ये ये भी सिद्ध नहीं कर पाए कि मोनू ने ही मारे हैं ये इसलिए विरोध कर रहे हैं ये सब बीच में कुछ जयचंद हिंदू भी हैं जिनको लग रहा है कि हाँ मोनू को एक जाल पकड़ो ऐसे करके जाल बिछाओ और मोनू को अंदर करके तो मोनू को मरवा दो सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात बता दूं हिंदुओं तुम्हें जयचंदो अगर आज मोनू मानेश्वर के ऊपर कोई विपता आती है तो कल को कोई गौ रक्षा वाला खड़ा नहीं होगा कोई गौ माता की रक्षा नहीं करेगा वो लड़के ने सीने पे गोली खाई है किसके लिए गौ माता के लिए जो लोग गौ माता को काट कर खाते हैं और जो गौ माता की रक्षा करते हैं उसमें आप फर्क ही नहीं गिनते गौ को रोटी खिलाने वाला और गौ माता के साथ रोटी खाने वाला भाई भाई कहां से हो सकता है भाई दुश्मन ही हो सकते हैं क्योंकि वो कटने नहीं देता मेवाद के लोगों का बिजनेस ही है उनका बिजनेस ठप हो गया सरकारों को पैसा आना बंद हो गया मंत्रियों को साना बंद हो गया क्योंकि ये काम होने नहीं दे रहा मोनू इसलिए मोनू जहर लग रहा है इनको जहर इनके गले से नहीं उतर पा रहा अच्छा हो ना हो भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो मोनू को लेकिन अगर यदि जिस तरीके से मोनू मानेसर के लिए जाल बिछाया जा रहा है जाल साजी किया जा रहा है उसके ऊपर अटैक का जो है सो कईयों बार प्लान बनाया गया है अगर कुछ मान के चलिए कि अगर हो गया खरोच आ गया मोनू को तो फिर मोनू के बाद कोई रक्षा अच्छा करने वाला नहीं है तो फिर मोनू के ऊपर अगर यदि क्योंकि क्योंकि रक्षा का कारण ही हो रहा है पत्रकार महोदय चूड़ियाँ पहनी हमने चूड़ियाँ पहनी हिंदुओं ने जो रक्षक है जो मोनू के समर्थन है जो पूरी दुनिया मोनू को प्यार करती है चूड़ियाँ पहनकर घूम रहे हैं मोनू को हाथ तो लगाए को एक बार कोई फिर हम बताएंगे ये हर टाइम प्यार 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 मीठा मीठा नहीं चलता भैया ज्यादा मीठा भी हो तो कीड़े पड़ जाते हैं उसमें याद रखना मेरी बात ज़्यादा मीठा हो तो और ये प्यार प्यार नहीं चलेगा फिर फिर हम आपको बताए मुसलमान तो कह रहे थे कि आए मेवात में आए हम तो प्याज की तरह फोड़ देंगे मामन खान खानो कोई भी मुसलमान हो मामन खान खुद का फूट जाएगा इसको खुद का नहीं पता इसका खुद का नहीं पता ये प्याज की तरह ये नींबू की तरह नहीं छोड़ दिया जाएगा अरे तुमने क्या समझ रखा है क्या समझ रखा है हिंदुओं को इतना आसान है मोनू को पकड़ना हम कहते हैं भाई मामन खान तू साबूत दे तू वीडियो दे तू हमें दिखा कि हाँ मोनू ने मारा है। हम खुद कहेंगे गिरफ्तार करो दोषी है ऐसे ही बिन बात पे तुम रक्षा के इनके बिजनेस बंद हो गए इनके अब ब्रीव नहीं जा रहे बाहर इनकी करोड़ों की जो पैसा था वो रुक गया तो भैया मोनू को हाथ डालने से पहले सौ बार सोचना होगा लेकिन हरियाणा का जो खाप पंचायत है वो अब जो है सो मेवात के लोगों के साथ है कह रहा है कि इसमें तो मोनू का ही गलती है मैंने अभी आपको क्या पहले बोला कि मोनू तो एक बहाना था हिंदुओं की भव्य यात्रा को गिराना था इन्होंने हिंदुओं की भव्य यात्रा खंडित की है अपर ए, इनको एक मैं, मैं बात बता दूँ यात्रा फिर से होगी या, यात्रा होगी फिर से? यात्रा फिर से होगी और शासन प्रशासन के साथ होगी और हिंदुओं की तरफ से कभी भी ना तो ये बकवास कर रहे हैं कई मैंने मुसलमान देखे कि उन्होंने आके ना गाड़ी के बीच में हमारी गाड़ी मार दी हमारा एक तेरह साल का बच्चा खड़ा था उसको ठोकर मार दी शर्म नहीं आती झूठ बोलते अल्लाह को मानते हो झूठ बोलते हो कि मतलब जो अपनी साठ की स्पीड पर अगर गाड़ियां जा रही थी तो तुम्हारे लड़के को मार दी होती गाड़ी तो तुम्हारा लड़का बचता नहीं फिर है ना हम क्राइम करना नहीं जानते हम अपनी भव्य यात्रा में जैसे हमेशा जाते वैसे जा रहे थे और इनको पूछा जाए हमारी यात्राओं में हमेशा या तो मास्क फेंका जाता है पत्थर फेंके जाते हैं या हमेशा क्लेश होता है इनको कोई भी यात्रा आप उठा के दिखा लो कहीं भी हमेशा उत्तर प्रदेश के सिवा हमेशा हमारी यात्राओं पर क्लेश हुआ है आए ना उत्तर प्रदेश आओ बेटा आओ पर अपने पाप के पास आओ अपने के पास यहाँ बैठे उत्तर प्रदेश में यहाँ इनकी हिम्मत नहीं यहाँ पर तो थूक वाले के घर पर भी चलता है मेरे भाई। ना यहाँ के आवाज निकाले अगर टेटुआ ना दबा दिया इनके गर्दन का तो याद रखे कैसी बातें करते आपने कहा अच्छा यात्रा में पुनः जो है सो निकलेगी क्या उस यात्रा में मोनू मानेश्वर होगा क्योंकि पिछली बार तो गए नहीं थे देखिए मैं मोनू मानेश्वर होगा या नहीं होगा मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं ये बात कर रही हूँ कि भव्य यात्रा निकलेगी और, और इससे ज्यादा संख्या होगी इससे ज्यादा पता नहीं तीन गुना चार गुना पांच गुना ज्यादा संख्या पहाड़ों पर से जो गोलियां चलती है उसका क्या जब पहाड़ों में से गोलियां चलेंगी ना तो फिर इधर से जो जवाब जाएंगे ना वो जितने लोग हैं उतने उपहाड़ों पर नज़र नहीं आएंगे फिर सारी ज़िंदगी के लिए वो दफन हो जाएंगे अगर अब किसी ने शरारत कर दी अब पूरा शासन प्रशासन साथ चलेगा और वहाँ पर जाकर शुद्धिकरण किया जाएगा वहाँ पर महादेव को फिर से जल अभिषेक होगा और महादेव को स्नान कराया जाएगा वो जो सनातनी जो अपने आप को कहते हैं पर दोगले हैं जो भाईचारा मेवात का भाईचारा कैसे रहा बताइएगा बेटा बताइएगा बताओ मैं का भाईचारा कहा रहा तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि चप्पल छूट गई किसी का जूता छूट गया कर ले जाओ तो ये भड़वों को भेजो ना दलालों को जो दलाली करते हैं इनसे रोटी चलती जिनकी मुसलमानों से जो इनसे लेकर चंदा खाते है चिंदी चोर ज्यादा मैं तो गालियां भी दूंगी ऐसे लोगों को देखिए हमें किसी मुसलमान से खतरा नहीं है ये भी आपको बता दूं ये जो अपने बीच अपने ही बैठे हैं ना ऐसे करके फनियर नाग बन के इन नागों से डर है यह आस्तीन के सांप है बहुत बड़े और ये कब अपने ही अपनों को डस दे पता नहीं लगता तो इसलिए भैया सबसे पहले तो हमें इनका इलाज बांधना पड़ेगा इलाज बांधना पड़ेगा इनका इलाज बहुत अच्छे से बांधेगा याद रखना जयचंदो तुम्हारे इतने जूते बजेंगे इतने जूते बजेंगे कि तुम जिंदगी में अपनी जयचंदी करनी भूल जाओगे दलाली करनी भूल जाओगे दलालपन छोड़ दोगे कई पत्रकारों को हमने देखा कि कह रहे हैं कि मोनू मानेश्वरी गलती है उन्हें जो है सो माफी मांगनी चाहिए आके मीडिया के सामने में क्यों किस लिए माफी मांगे किसी की बहन के साथ बलात्कार कर दिया मोनू मानेसर ने मोनू मासर ने बैंक में डांका मार लिया या मोनू महेश्वर ने किसी का मर्डर कर दिया क्या किया सात लो लोग जो मरे छह सात लोग जो मरे हैं वहाँ पे उसका जिम्मेदार बताया जाए उसका जिम्मेदार ये मुसलमान है जो हिंदुओं के लोग इसने मारे इनका जिम्मेदार ये जिन्होंने पत्थर मारे शर्म नहीं आती तुम लोगों को मीडिया वालों को जो कहते हैं मोनू मानेसर माफी मांगे किस लिए मांगे किस लिए मांगे मोनू की वीडियो सुनो गौर से उसने क्या कहा कमाल हो गई पत्रकार महोदय सब इनकी गलतियाँ थी इनका प्लान प्रोग्राम था हिंदुओं को मारने का और इन्होंने मतलब दुख हो रहा है जो इन्होंने लड़कियों के साथ किया उसको खेतों में खेतों में खींच कर लेकर गए और खेतों में बच्चियों के साथ उनके दुपट्टे खींचे उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाए गए इन्होंने ये मुसलमानों ने किया कोई बात नहीं भैया तुमने शगन वो कहते हैं ना जब शादी में कोई शगन देता है हमारे घर पे देकर जाता है तो फिर जब शादी होती है उसके घर में तो हम दो गुना करके लौटाते हैं है है ना मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया तो बहुत जरूरी ये गांधी राज नहीं है ये गांधी का समय नहीं है कि एक गाल पे चांटा खाया और दूसरा गाल आगे कर दिया यहाँ मार मार के दूसरा गाल का मुंह तोड़ दू मैं ऐसे लोगों का ठीक है और जिन्होंने इन बच्चों के साथ बदतमीजियां की जो मेरी मात्र शक्तियां रोज फोन पे एक महिला दो महिला बात करती है रोती है कि जो उनके साथ वहां पर हुआ अच्छा माता जी आपने कहा कि यात्रा निकलेगी और पुलिस प्रशासन के साथ निकलेगी लेकिन दूसरी तरफ तो कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र घोषित भी होगा एक तरफ तो पहले बगैर पुलिस प्रशासन का यात्रा निकला तो आपने देखा कि क्या हमारे सामने रिजल्ट आया यात्रा भी संपूर्ण नहीं हो पाया और दूसरी बार पुलिस प्रशासन निकालेगा तो कैसा राष्ट्र और कैसा हिंदू राष्ट्रीय देखिए भैया जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो मैं उनको बता दूं बेटा हिंदू राष्ट्र है तुम हिंदू कब बन रहे हो ये बताओ हिंदू राष्ट्र तो है तुम हिंदू कब बन रहे हो और देखिए भैया ये प्ली प्लान प्रोग्राम था पार्टियों का आपस में लड़ाई करवाना हिंदू मुस्लिम करवाना आपस में मरवाना इनको ये बिल्कुल पार्टियों का था और मैं बहिष्कार करती हूँ थूकती हूँ मैं ऐसी पार्टियों को हमें ऐसी पार्टियाँ नहीं चाहिए हम ऐसी पार्टियों का बिल्कुल समर्थन मैं तो बिल्कुल एक रत्ती भर नहीं करूंगी अच्छा आप मोनू मानेश्वर का समर्थन क्यों करती है एक सब जितनी भी कटती थी मैं ने उसने ज्यादा से ज्यादा वो चीजें बंद करवाई ठीक है। है। तो वो है इसलिए आप समर्थन कर रही है लेकिन मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि कई लोग रक्षा के नाम पे गुंडई करते हैं सड़कों पर उतर उन्होंने कई लोग कहा कई लोग का उन्होंने मोनू तो का नाम क्यों मोनू नहीं।, नहीं आता क्यों मोनू क्यों आता है कई लोग हो सकता है कई लोग मतलब अपने आप को जैसे हमारे गाजियाबाद में भी ऐसे हुआ था गाजियाबाद में ऐसे हुआ था मैं आपको बता देती हूँ पत्रकार मोदे के कुछ लोग पुलिस को ऐसे बोलते थे ओ मैं गौरक्षक हूँ अः मैं गौ गौरक्षा को रोम मारते थे अपने आप को बहुत बड़ा मतलब इंजेक्शन लगाना नहीं आता गौ माता को देखना नहीं आता बुखार टेस्ट नहीं करना आता तो मैंने फिर पुलिस प्रशासन से यह बात बोली थी कि कोई भी गौ रक्षक आपको ऐसा कहे तो भैया सीधा बोल देना कि बताओ कौन से दल से सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ अपना आधार कार्ड लेकर आओ तुम गौ रक्षा से हो तो उसके बाद ये चीज़ थमी ठीक है कई लोग संगठनों को लेकर बदमाशी करते हैं कई लोग गौ माता को लेकर बदमाशी करते हैं पर मोनू ऐसी कोई बदमाशी नहीं करता मोनू गौ गौरक्षा है और गौ भगत है और वो जीता भी गौ माता के लिए और जिस दिन मरेगा वो उस दिन भी गौ माता के लिए